हाँ सर, हाँ सर, मैं लड़के मार लगे वहां पर सर। साहब जो खोद रहा है ना, उसका इंडिकेशन यही है कि इसके अंदर कुछ है। अमरनाथ हादसा, ये तस्वीरें बता रही है कि बाबा बर्फानी के दरबार में कल क्या कुछ हुआ। आगे से निकाल सबको। हाँ सर, हाँ सर, मैं लड़के मार लगे वहां पर सर। ये तस्वीरें बता रही है कि बाबा बर्फानी के दर्शन इतने दुर्लभ क्यों हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब कुदरत करवट लेती है तो इंसान का बस नहीं चलता। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का कहर क्या होता है। हुआ कुछ यूं है कि शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई टेंट बह गए, तो कई टेंट मलबे में फंस गए। इसमें अब तक कुल 16 लोगों के मरने की खबर है और 45 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना, ITBP, NDRF, SDRF और पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। राहत बचाव अभियान कार्य जारी है। हम आपको कल से लेकर आज तक की तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कुदरत का कहर अमरनाथ में क्या कुछ कहता है। गुफा के पास कल शाम फटा बादल। अब तक 16 लोगों की मौत। पैतालीस से ज्यादा लापता। साहब जो खोद रहा है ना, उसका इंडिकेशन यही है कि इसके अंदर कुछ है। NDRF, SDRF की टीमें बचाव कार्य में जुटी। ITBP की टीम भी राहत काम में जुटी। सेना चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। NDRF की तीन टीमें तो कल रात में ही वहां शामिल हो गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेज की काफी नफरी वहां पे अवेलेबल है जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। CRPF है, JNK पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, BSF है, SDRF है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहां पे है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो फ्लैश फ्लड था, उसकी सिचुएशन क्या है? लैंडस्लाइड वगैरह अभी रुकी है या हो रही है? लैंडस्लाइड नहीं हो रही, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत जारी है। सोनबर्ग पे बारिश ज्यादा थी जैसा हमको मैसेजेस मिले थे बीच में, लेकिन 4:30 बजे तक रात में काम चला। फिर बारिश के कारण 1.5 घंटा स्थगित किया गया, फिर 6 बजे से दोबारा काम जारी किया गया है। करीब 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित पंजतरणी शिफ्ट किया गया। अरे आदमी, हर आदमी वहां पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफी पंडाल बह गए हैं। अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर। तीनों बेस अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। गांदरबल में 16 एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर।
सर्च और रेस्क्यू डॉग को भी बचाव कार्य में लगाया। जो खोद रहा है ना, इंडिकेशन यही है कि इसके अंदर कुछ है। बादल फटने से फंस गए वाहन। बीएसएफ का MI-17 भी रेस्क्यू में लगा। अफसरों ने भी डेरा जमाया, बचाव कार्य की निगरानी में लगे। पत्थरों को हटाकर देखे जा रहे लोग। हेलीकॉप्टर से लाए जा रहे घायल। वायुसेना ने संभाला मोर्चा। ट्रेंड प्रोफेशनल्स को बचाव कार्य में लगाया गया। आगे से निकालो सबको। हाँ सर, लड़के मर लगे वहां पर सर। तो खराब मौसम और कम तापमान से कठिनाइयां तो खूब आ रही हैं, लेकिन हमारे जवान पूरी शिद्दत के साथ एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।